guys. हम लोग आज आप दिल्ली से ट्रिप का हम लोगों ने प्लान किया है अपने बिहार का, अपने घर का, और हम लोग छठ में जा रहे हैं सब आदमी अपने माता पिता से, गांव वालों से मिलने, छठ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए रात के अभी 12:30 हो रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से अभी, और ये हमारा नाइट में निकल रहे हैं हम लोग। और ये हमारी पूरी फैमिली है, ये हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मेरे साले हैं, मेरी बीवी है, और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और पूरे रास्ता का आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। जय माता दी, जय बिहार, जय छठी मैया, जय छठी मैया। सारी अपनी पैकिंग उन्होंने गाड़ी पैक कर दिया है और हम अपनी गाड़ी से भी निकल रहे हैं। हम लोग की अपनी गाड़ी का ट्रिप है। गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो रही है। जय माता दी, जय छठी मैया, जय बिहारी माता, जय बिहार, जय बिहार। और ये मेरे भाई ड्राइव करते हुए निकले चलेंगे हम लोगों को। ड्राइव में बहुत ही अच्छा मास्टर है ये, जय बजरंगबली। तो इसकी ड्राइविंग बहुत ही अच्छी है, यही ड्राइव करके हम लोग ले जा रहे हैं। हाँ ऐसे कर लो, हम लोग अब मथुरा से पहले वाले पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं। हम लोग यहाँ पे सीएनजी ले रहे हैं, थोड़ा सीएनजी कम हो गया था गाड़ी में, सोचा हमने सीएनजी ले लेते हैं क्योंकि सफर लंबा है, तो सीएनजी लेते हुए चलते हैं। ये पंप है, यहाँ पे हम लोग सीएनजी ले लिया है। हम लोग 24 आवर ऑन रहती है, खुली रहती है। ये भी जग गई है बेचारी सीएनजी की वजह से, ये भी सो गई थी, लेकिन इनको उठना पड़ा, गाड़ी में से बाहर आना पड़ा, तो ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गई इनके लिए भी। पहुँच गए हैं लखनऊ एक्सप्रेस पे। यहाँ पे काफ़ी फॉग है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट लिया है, फिर हम लोग अब यहाँ से आराम आराम से निकल रहे हैं। प्रॉब्लम तो है बट आराम आराम से निकलेंगे हम लोग यहाँ से, देखते हैं आएगा सफ़र कैसा होता है हम लोगों का, साथ बने रहें आप लोग। ये हम लोगों ने दोबारा से हॉल्ट लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो गया है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट लिया है। और ये हमारे साले साहब हैं, ये लोग भी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पकौड़ा ऑर्डर किया है और ये चाय पियेंगे पहले। होटल भी बहुत ही अच्छा है, इसका व्यू दिखा रही मैं आप लोगों को। हम लोग का खाना आ गया है, अब हम लोग खाना खाने वाले हैं। तो खाना में ये रोटी है, ये दाल है, रायता है, और ये सब्जी है, और ये सूखी सब्जी, और ये सैलेड है, और ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला, सारे चीज़ हम लोग खाने वाले हैं। हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, तो बताऊंगी कि खाना कैसा बना है, फिर मैं आपको खाने के बाद बताने वाली हूँ। तो गाइज खाना बहुत ही टेस्टी था, खाना बहुत टेस्ट थे, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा खाना खा के, बहुत ही मज़ा आया। बिहार की तरफ आप लोग का टूर बने तो गाइज आप इस जगह, इस ढाबा पर जरूर आइएगा, इस होटल में ज़रूर आइएगा, यहाँ का खाना ही टेस्टी थी, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा खा के। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बिहार की तरफ। वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा पूरा एंड तक। तो गाइज हम लोग अब कुशीनगर पहुंच गए हैं, लोग थोड़ा सा पेट्रोल और अपना सीएनजी फिल करवा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और ये मेरी वाइफ थोड़ी सी मुझासी गई है गाड़ी में फिरने आ गई है। कैसा लग रहा है पिकू आपको? बहुत बुरा लग रहा है, वैसे खुश हूँ मैं अपने गांव जाके, अपने घर जाके, लेकिन मेरी तबीयत तय कर लिया, लेकिन वहाँ आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई है, इसके लिए मैं तो ऐसे दुखी हूँ। कोई नहीं, थोड़ा सा होता है, एडजस्टमेंट होती है जर्नी में, कोई बात नहीं है।
घर पहुँच कर सब ठीक हो जाएगा। बिहार में एंट्री कर गया ना? हाँ, बिहार में हम लोग एंटर कर चुके हैं, खुशी हो गया। कुशीनगर में है, ये बिहार का बॉर्डर होता है। बिहार फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं और ये मेरे पापा हैं। तो आइए मेरे घर के अंदर चलते हैं। मेरी मम्मी है, सासू माँ है और हम लोग को देख के रोने लगी, खुशी की आंसू में खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।